भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा राजस्थान में लगातार ताबड़तोड़ कार्यवाहियां की जा रही हैं। रोजाना एसीबी घूसखोर अधिकारियों और कर्मचारियों पर शिकंजा कस रही है। ताजा मामला राजस्थान के बाड़मेर जिले के कल्याणपुर का है, जहां पर जोधपुर एसीबी की टीम ने गुरुवार को कार्यवाही करते हुए 3 घूसखोरों को दबोचा है। जानकारी के मुताबिक सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल जोगाराम दलाल का काम कर रहा था, साथ ही कृष्णाराम दलाल को भी एसीबी ने दबोचा है। इन दोनों ने 20 लाख रुपए की रिश्वत ली थी। पैसे देने वाले ठकरा राम को भी एसीबी ने डिटेन कर रखा है। डीजी बीएल सोनी, एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर यह कार्यवाही की गई। जानकारी के मुताबिक आरएएस इंटरव्यू में अधिक नंबर दिलाने की एवज में घूस मांगी गई थी, लेकिन रिश्वत देने के बाद भी इंटरव्यू में नंबर नहीं आए। पैसे वापस करते वक्त एसीबी ने तीनों को दबोचा। डीआईजी विष्णुकांत मामले में मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डीजी बीएल सोनी, एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर यह कार्यवाही की गई थी। फिलहाल एसीबी पूरे मामले की जांच कर रही है। एसीबी ने आरएएस में भर्ती परीक्षा 2018 में एक अभ्यर्थी को साक्षात्कार में 20 लाख रुपए की रिश्वत देकर ज्यादा अंक दिलाने के एक मामले का खुलासा किया है। हालांकि इसमें दलाल अभ्यर्थी को साक्षात्कार में ज्यादा अंक नहीं दिला पाया। इस पर अभ्यर्थी के परिचित वापस राशि लेने जा रहे थे। इसमें पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे 19,95,000 रुपए की रिश्वत की राशि बरामद की गई है। इसमें एक सरकारी स्कूल का प्राचार्य व निजी स्कूल संचालक भी शामिल हैं। दलाल भी पकड़ लिया गया है। एसीबी के डीआईजी डॉक्टर विष्णु कांत ने बताया कि मामले में मदर टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रिको बाड़मेर के संचालक ठाकरा राम जाट, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पनावड़ा पंचायत समिति बायतू जिला बाड़मेर के प्रिंसिपल जोगाराम जाट और बासनी तंबोलिया जोधपुर निवासी कृष्णा राम जाट को गिरफ्तार किया गया है।